पिछले 3 दिनों से गोवा का वेदर बिल्कुल पलट गया है। बारिश ना के बराबर है। लाइक एशवेम, मांद्रिम एंड उंडो बीच। इनके पैर पे सांप काट गया था, वो दिखा ना कैसे होता है। तो अगर आप कैब रेंट कर रहे हैं तो मैं आपको एक रेंटल के आइडिया देता हूँ। विल बी गेटिंग 50% डिस्काउंट्स ऑन द कॉकटेल्स। असगांव पंचायत से मेरी यही शिकायत है, मैं पूरे ट्रिप बोलता रहा, हर वीडियो में बोलता रहा। आराम से मुझे लगता है मेरे कार का खर्चा होगा 15,000 से 20,000 रुपए इस ट्रिप में। मींस अ लॉट टू अस आल्सो फॉर द गोसु कॉफी। सो यू गाइस आर अमेजिंग। अगर दो घर पे कॉफी पीने वाले हो गए ना तो घर के सारे पैसे बर्बाद। अरे सो स्वीट। पिछले 50 दिन से मैं गोवा में हूँ और अगर आप भी अपना गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जो आपके ट्रिप में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैब रेंटल और बाइक रेंटल की बातें करते हुए। तो अगर आप प्लेन या ट्रेन से गोवा आ रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ पर आके बाइक या कैब रेंट करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जहाँ तक हो सके कैब ही रेंट कीजिए या फिर कैब को सेल्फ ड्राइव कीजिए, बाइक से दूर रहिए क्योंकि इट्स रियली अनसेफ और आने वाले वीकेंड में बहुत भीड़ होने वाली है। देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज, तो पार्टी जब होती हैं पीपल काइंड ऑफ गेट ड्रंक और बाइक चलाना रिस्की हो सकता है। तो अगर आप कैब रेंट कर रहे हैं तो मैं आपको एक रेंटल के आइडिया देता हूँ। अगर आप थार रेंट कर रहे हैं तो थार का रेंटल है लगभग 3,500 रुपये और ये नेगोशिएबल रेट है जहाँ तक मैंने देखा है। प्लस डिपॉजिट होता है कहीं भी 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक, जो भी नेगोशिएबल होता है। और अगर आप छोटी कार ले रहे हैं जैसे हो गया इग्निस या बलेनो, देन द प्राइस रेंज इज़ अराउंड 1,000 to 1,200 रुपीज़। क्योंकि लेकिन एक बहुत ही लंबा वीकेंड आ रहा है, देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ पीपल हियर इन गोवा, तो आपके कार की बुकिंग अभी से करवा लीजिए बिकॉज लास्ट मिनट रेट स्पाइक हो जाएंगे और आपको अच्छी डील्स नहीं मिलेंगी। और आपके ट्रिप में आप एक दिन फैक्टर इन करिए फॉर द अनएक्सप्लोर्ड बीचेस ऑफ गोवा लाइक एशवेम, मांद्रिम एंड उंडो बीच। ये बीचेस नॉन कमर्शियल हैं एंड यू विल हैव एन अमेजिंग पीसफुल ब्लिसफुल टाइम देयर। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे ड्राइव करके आ रहे हैं खुद की कार में, मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलाइए। रास्ते इतने ख़राब हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पॉट होल्स हैं क्रेटर्स की तरह कि, और स्पेशली अगर आप सेडान में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार का बहुत ध्यान रखिएगा, कम स्पीड पे चलाइएगा क्योंकि आपको पता नहीं कब कहाँ बड़ा खड्डा आ जाए। तो मेरी कार का पर्सनली काफ़ी नुकसान हुआ है, अंडर बॉडी कवर जो होता है पूरी तरह टूट गया है और मेरे साइलेंसर का वेल्डिंग टूट गया था। तो आराम से मुझे लगता है मेरे कार का खर्चा होगा 15,000 से 20,000 रुपए इस ट्रिप में। तो अगर आप भी अपनी पर्सनल कार से ट्रैवल कर रहे हैं, बी केयरफुल ऑफ द बैड पॉट होल। तो पिछले 3 दिनों से गोवा का वेदर बिल्कुल पलट गया है, बारिश ना के बराबर है। आई थिंक बारिश तो हुई नहीं है खैर, और इतनी गर्मी इतनी धूप हो गई है गोवा में। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे ट्रिप पे लंबे वीकेंड पे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अब हो सकता है बीच में वापस बारिश शुरू हो जाए। तो अभी मैं आपको कुछ हमारी फेवरेट जगहें बताना चाहूँगा जो हमको इस 50 दिनों में काफ़ी अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ सर्विस, पीपल देयर, हॉस्पिटैलिटी और खाना। सो वन प्लेस दैट्स ओपन 24/7 इज इंडस कैफ़े जो है वागतौर में। उसके अलावा आई वुड से कोटिंगा जो है टैमरिंड होटल में, इट्स ऑल्सो अ नाइस कॉफ़ी शॉप एंड आई थिंक इट्स ओपन टिल अबाउट 3 AM इन द नाइट। एंड अगर आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है आई वुड 100% रिकमेंड गोसू जो है गोसू कैफ़े अंजुना में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अमेजिंग कॉफ़ीज, पी के मज़ा आया। मीन्स अ लॉट टू अस ऑल्सो फॉर द गोसू कॉफ़ी। सो यू गाइस आर अमेजिंग एंड यू हैव बीन हियर लाइक ऑलमोस्ट 45 डेज नो रेगुलरली, यस कंटिन्यूसली एक्सेप्ट मंडे, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल्सो लव अस द सम शॉर्ट अमेजिंग शॉर्ट्स। So keep supporting us, keep supporting the Sandy and Karan. If you want to have the best coffee, then this is the place in Anjuna, Gosu Cafe. Yeah. ये देखिए मेरे जैसे दिखने वाले दूसरे गोवा में, अरे ये तो मेरे भाई हैं, सेम डे सेम बाल। मेरे नया हेयर स्टाइल कितना पॉपुलर है गोवा में, लोग मेरी तरह बाल कटा रहे हैं और बाल कलर करवा रहे हैं। तो अभी अगर आप भी गोवा में आए तो जाके कोई भी सलून में बोलना सैंडी एंड करण का करण वाला हेयर स्टाइल चाहिए और कलर चाहिए।
सेम हियर, यू कीप स्माइलिंग एंड कीप आगे बढ़ते रहिए। हाँ, हम लोग को भी बहुत मिस होगा सुबह सुबह। और अपार्ट फ्रॉम दैट, नो, इफ़ यू लुकिंग एट द कॉकटेल आवर्स जो शाम को 4 से लेके 7 बजे के बीच में हो, सो फेयरफील्ड बाय मैरियट कैलनगुड हैज़ ग्रेट ऑफर्स। पैकेज ऑफ कॉकटेल आवर्स फॉर 1099 प्लस टैक्सेस, बट इफ़ यू आर गेटिंग टेकिंग कॉकटेल आवर्स फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ एनी ऑफ द FNB टीम, सो यू विल बी गेटिंग 50% डिस्काउंट्स ऑन द कॉकटेल आवर्स, दैट इज ₹550 प्लस टैक्सेस। इट विल बी इंक्लूडिंग विद द टू आवर्स ऑफ अनलिमिटेड कॉकटेल्स with one veg and one non-veg starters, including. It will be including with the unlimited beers, unlimited, you'll be having vodka, rum, gin, then you'll be having a whiskey also, one kind of whiskey. If you're not taking any of the drinks, you'll be served a glass of red wine or white wine, that will be available. Anything most want to have, something with mocktails also there. If you want to have some tea, coffee, that is also available, then in the same cocktail of cocktail house package. At ₹550 plus taxes. Yeah. और उसके अलावा if you're looking at having a good time, आपको धूप बहुत ज़्यादा लग रही है and you feel like you need AC, क्योंकि गोवा में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में AC नहीं होता है, then go to this place at Baga, which is Radisson Resort Baga. उनका है मिनी बुफे जो आई थिंक इज प्राइस एट ₹699 ओनली एट अ 5-star प्रॉपर्टी। रेस्टोरेंट भी काफ़ी खूबसूरत है, चिल्ड AC और अच्छा खाना, ग्रेट स्टाफ। सो दीज आर अ फ्यू प्लेसेस दैट आई वुड रेकमेंड। और अगर अमूज बाय हेमंत ओबरॉय अगेन इज ऑल्सो अनदर ग्रेट प्लेस वेयर यू कैन गो हैव डिनर, ये भी जगह है अंजुना में। इसके अलावा अजूरा कैफे जो है कैलनगुड में, जो है कांदोली बीच पे, आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल वो बंद है, आई थिंक एंड ऑफ द मंथ वो खुल जाती है। सो दैट्स अनदर ग्रेट प्लेस दैट आई एंड सैंडी वी बोथ लव। और हाँ, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली गए हैं, बार बार गए हैं, और इसीलिए बार बार गए हैं क्योंकि वहाँ पे खाना अच्छा था, स्टाफ अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। और क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, मैं आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, मेरा टिप है दैट इतना ऑफ सीजन था, मोस्टली काफ़ी जगहें खाली खाली सी थी, बट फिर भी कई जगहों पर जब हम गए, पहली बार गए तो हमको काफ़ी उदास से चेहरे देखने मिले। द हॉस्पिटैलिटी वॉजंट पार, आई फेल्ट लॉट ऑफ प्लेसेस लैक्ड द वॉर्म्थ और द वेलकमिंग अप्रोच। तो आप इस टाइम पे अगर आ रहे हैं, नो स्पेशली ड्यूरिंग द लॉन्ग वीकेंड जहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है, सो हॉस्पिटैलिटी इज समथिंग दैट आई वुड से मे टेक अ टॉस, और यू कांट रियली एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वार्म्थ बिकॉज काफ़ी जगहों पे भरे ही होंगी जगहें। सो दैट्स समथिंग टू कीप इनटू कंसिडरेशन, और इन सारे कंसिडरेशंस और ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए मैंने ये बाकी जगहें बताई हैं। बट अगैन, हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट्स बेस्ड ऑन पीपल, लोगों के मूड कैसे होते हैं उन दिनों पे, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अगैन लक। हम पॉपुलर जगहें भी गए थे लाइक द टीटोस लेन और और भी जो पॉपुलर जगहें हैं विच आर द अपेरेंट हैपनिंग प्लेसेस, जो हमको इतने नहीं पसंद आए, मे बी बिकॉज इट वॉज ऑफ सीजन। अगेन, इफ यू आर रेंटिंग अ कैब और इफ यू आर रेंटिंग अ बाइक, कॉप्स हियर आर फ्रेंडली, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यू फॉलोइंग द रूल, सीट बेल्ट पहना है आपने, हेलमेट पहना है, यू हैव योर DL एंड ऑल ऑफ दैट, यू आर नॉट ड्रंक, देन आप कोई रुकाएंगे तो देर गोइंग टू जस्ट लेट यू गो एंड से हैव अ ग्रेट ट्रिप। बट अगर आप इफ़ यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, नॉट वेयरिंग द हेलमेट, और आई थिंक इन दिनों स्पेशली चेकिंग काफ़ी होगी क्योंकि अभी पिछले दिनों से चेकिंग काफ़ी है, एट अ पॉइंट कि आप सारे रूल्स फॉलो करें, और जब तक आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है कि मेरे घर में काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि हम कल सुबह निकल रहे हैं, तो ये सारा सामान पैक करता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ नाइटमेयर, और इसको कार में फिट करना है, अभी तो ये आधा है, आधा उस रूम में पड़ा है। बट दिस वॉज अ ग्रेट ट्रिप, 50 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, एंड आई ऑल्सो हैव टू से हमने यहाँ पे काफ़ी नए दोस्त बनाए, लॉट ऑफ लोकल्स फ्रॉम गोवा एंड पीपल हियर आर ग्रेट। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम गोवा, स्पेशली अ बिग शाउट आउट टू जहाँ पे मैं कार वॉश कराता हूँ उनको। कल मैं गया था, उनका लंच टाइम था, क्लोज था, बट क्योंकि मेरे कार में थोड़ा प्रॉब्लम था, मुझे पानी निकलवाना था मेरे डिक्की में से, तो ही ओपन द शॉप एंड ही वॉज वेरी काइंड टू से कि मुझे उसके लिए पे करने की भी ज़रूरत नहीं है फॉर हिज सर्विसेज। बट नो, सो पीपल हियर वेरी नाइस, दे गो आउट ऑफ द वे। I'll see you. See you after what, a month? Month. Take care, keep smiling and keep rising. Bye. Bye. All the best. Bye. Thank you. Bye.
बाय। मार्शल बहुत कोशिश कर रहा था सैंडी को कॉफ़ी की आदत डालने की, मैंने बोला भाई ये गलत चीज़ मत करना, अगर दो घर पे कॉफ़ी पीने वाले हो गए ना तो घर के सारे पैसे बर्बाद। तो ये मेरे नए बाल हैं, मैंने यहाँ पे गोवा में ऐसे ब्लॉन्ड कराए मेरे बाल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे बाल, आधी बूझ के बाद अलग से बाल, मुझे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये लेके जा सकते हैं। कल सोच रहा था जाने से पहले अपने बाल कलर करा लूँ, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है, कलर्ड बाल ही ले लिए मैंने, और आई थिंक मेरा फिट भी सही बैठ रहे हैं, लुक्स गुड, मुझे हेयर कट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। अली मातला माताड़ता है दिनी ನನಗೆ ಕಿಲೋ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಐಸೆ ಜೆ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಕಪಡೆ ನೀ ಮಿಲ್ತೆ ಸಾರೇ ಕಪಡೆ ಲೇಕೆ ಜಾಯೆ। अब मुझे लगता है कार के ऊपर लगाना पड़ेगा उसके ऊपर ऐसे सामान के लिए। लेकिन आज मैंने देखा कार में बहुत सारे वार्निंग थे, वापस पानी जमा हो गया, कोई आइडिया नहीं, बारिश तो थी नहीं, कहाँ से पानी जमा हुआ है। तो अभी ये लोग भी लंच पे जा रहे थे, मैंने बोला अंकल प्लीज़ मेरे इसमें से बैटरी के यहाँ से पानी थोड़ा निकलवा दो, तो उन्होंने ओपन कर दिया थैंकफुली मेरे लिए, थैंक यू सो मच डायरेली अप्रीट। तो यहाँ पर क्योंकि पानी जमा हो जाता है तो अंदर काफ़ी सारे वार्निंग आते हैं कार के, और फिर वो वार्निंग के साथ चलाना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इस चीज़ से पानी को ये लकी इंसान है का इनके पैर पे सांप काट गया था, वो दिखा ना कैसे होता है स्मॉल। अच्छा वैसा लास्ट डे भी आए हैं कैलनगुड कांदोली, क्योंकि हमने जो कल कपड़े लिए थे उनमें से कुछ की फिटिंग बस एक्सचेंज करनी थी, हमने सोचा अब कब आए मुंबई से तो एक्सचेंज कर ही लेते हैं, और फिर यहीं पे आज घूम के खा के और आपको जी और क्रैश करते हैं और रास्तों का हाल बताते हैं। वैसे तो ऐसे रास्ते थे बीच में, वो असगांव वाले खड्डे ने आज भी मेरे कार का नीचे से जो कवर होता है पूरा तोड़ ही दिया, आपको दिखाता हूँ आगे क्या हुआ। वो असगांव वाला जो खड्डा है जिसने पहले मेरे कार का साइलेंसर का वेल्डिंग तोड़ा था, उसी खड्डे में पता नहीं एक साइड इतना डीप हो गया था, मुझे लगा उन्होंने रिपेयर कर दिया है, तो कार ऐसे गई और बाउंस करके पूरा नीचे का कवर होता है कार का प्रोटेक्शन वाला कवर, वो पूरा क्रैक हो गया। तो ये है स्टाइल एलिट, कल रात को मैंने आपको दिखाया था वागाचौर वाला, ये इनका कांदोली वाला ब्रांच है, और यहाँ से हमने पहले शॉपिंग की थी, दे हैव सम अमेजिंग कलेक्शन। और क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सुबह कभी आ रहा है न्यू कलेक्शन आपका, चार दिन के बाद आ रहा है, और धूप बहुत खरा रही है, मुझे पता नहीं था, सैंडी ने मुझे बताया कि रात को बहुत बारिश हुई थी, जब मैं सो गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन रात को बहुत खरा रही बारिश हुई है और उसी वजह से पानी जमा हो गया होगा। और देखिए क्या क्या हो रहा है यार, वापस पानी जमा हो गया नीचे से, वो पूरा कवर ही टूट गया। सो दिस हैज़ बीन आई वुड से बैड ट्रिप। जहाँ तक मेरे कार की बात है, आई हेटेड आई लव माई कार, उस पर कुछ भी होता ना मेरा दिमाग इतना ख़राब होता है, और इस बार इतनी चीज़ें हुई ना मेरे कार के साथ, सो आई फ्रीकिंग हेट दैट। तो हमने कार यहाँ पे पार्क कर दी है इन अ प्रॉपर पार्किंग प्लेस लाइन के अंदर, हमेशा मैं चेक कर लेता हूँ ताकि गलत कभी फाइन ना पड़े हमको, तो हम हाँ सही है लाइन के अंदर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टायर लाइन के अंदर होना चाहिए। दे हैव न्यू कलेक्शन कमिंग इन आफ्टर 3-4 डेज, आया नहीं अभी, 3-4 दिन बाद में आ रहा है, हम जब मुंबई में सारे ब्लॉग्स में आते हैं, आजकल यही देखते होंगे आधे ब्लॉग्स में कि हम शॉपिंग ही कर रहे होते हैं। अच्छा सीजन में आप 2:30 बजे तक खुले होते हो, वाह लोग आए हैं। हाँ रात में आते हैं क्योंकि लोग तो सो रहे होते हैं दिन में, यहाँ पे पार्टी करते हैं रात को लेट पहुँचते हैं सोते हैं। लुक्स नाइस। तो मैं सैंडी के फ़ोन से सैंडी की शॉपिंग कर रहा हूँ, दैट्स द मोस्ट स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। देखिए हमने स्मॉल बैग से अब अपग्रेड करके बिग बैग, नेक्स्ट टाइम जब हम आए 10-15 दिन बाद तो इससे बड़े बड़े बैग लेके यहाँ से जाने वाले हैं। बट थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, यप सी यू। ऐसे ही हम रोज़ बैगें उठाते घूमते रहते हैं कांदोली में, कभी ब्लू कलर की थैली कभी ऐसी कलरफुल। हाँ जी चल तो जाइए। हाँ जी हाँ जी जाने देते हैं इनको। अजी नहीं बारिश कब हुई रात को, और प्लस अभी दिखाता हूँ नीचे से आपको खड्डे ने जो हालत की है मेरे कार की,
जाते जाते बैड मेमोरी इन दिस ट्रेन। असगांव का जो खड्डा है बिल्कुल बेकार रहा मेरे लिए इस ट्रिप में, पता नहीं कितने खर्चे करवाएगा। असगांव पंचायत से मेरी यही शिकायत है, मैं पूरे ट्रिप बोलता रहा, हर वीडियो में बोलता रहा, लेकिन आपने वो खड्डे को परमानेंटली रिपेयर नहीं कराया और पैचवर्क भी इतना गंदा कराया कि मेरे खर्चे बढ़ते गए। होपफुली जब मैं वापस आऊँ तब आप इस खड्डे का कुछ परमानेंट इलाज निकालिए। कुछ ये खाने के लिए कुछ, भूख तो बहुत लगी है। पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या इनके पास एसी है। एसी नहीं है, एसी नहीं है, एसी नहीं है, तो हमको एसी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि गर्मी कल निकलना है और इतनी गर्मी में वॉकिंग करके अगर वापस बीमार पड़ गया। वैसे ही दो दिन तो मैं सो रहा था बीमारी में बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें, डिहाइड्रेटेड एग्जॉस्टेड बैड कोल्ड, तो मैं सो आई नीड अ प्लेस विच हैज गुड चिल्ड एसी। जब सैंडी और मैं दोनों जाते हैं फिर मैं सैंडी को बहुत फोर्स करता हूँ, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ले लो। तो सैंडी ने मुझे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट दिया है कि जो भी एक्सचेंज करें उसके ऊपर 200 रुपये एडिशनल बजट है, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चांदोली में चलने में ना सच में बहुत डर लगता ही है, पीछे से कोई उड़ा ना दे। एक्सचेंज करा लिया यहाँ पे और चलते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। चलो थैंक्स, बाय, थैंक यू, थैंक यू, वॉक बैक। मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, जब हम यहाँ पे आए थे तब से मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं सोचा पहले ये सारे काम ख़त्म कर देते हैं तो एक टेंशन ख़त्म हो, वरना वो दीवार पे एक तंती तलवार की तरह होता है। तो ये अब ये सारे काम ख़त्म हो गए तो अभी जाते हैं, आई थिंक मैं जाऊंगा फेयरफील्ड में। बीच में अभी गया था हायड प्लेस, उनका रेस्टोरेंट जो था काफ़ी अंदर अंदर था, तो मैंने सोचा नहीं यार जाते हैं फेयरफील्ड जाते हैं, वहाँ पे मुझे पता है सर्विस अच्छी होगी, लोग अपने जाने पहचाने जो बहुत ही अच्छे से हमारा ध्यान रखेंगे, खाना दिल से बनाएंगे, आई एम श्योर यहाँ पे भी करेंगे, बट क्योंकि नई जगह है तो मैं जाने से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जो बजट आपने दिया था ना उसमें मैंने 200 रुपये बचा लिए, जितने का लिया था उतने एक्सचेंज कराए मैंने। Really? जी nice. लेकिन एक चीज़ देख के सैंडी शायद ना नाराज़ हो जाए, वो मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने वापस दे दिया वो जो आप जो आपने पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया था, लेकिन ले लिया मैंने वापस, मतलब कल वाले में से। चल ये है टेबल नंबर 1, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो सबसे पहला टेबल टेबल नंबर 1 यहाँ पे बैठे हैं, और ये है फिर यहाँ से शुरू होता है, एंड देन यू हैव द रेस्ट ऑफ हियर। यस यस थैंक्स, ग्रेट, ये भी आ गया। फील्स नाइस, फील्स नाइस। बाकी सब कैसा चल रहा है? मुझे अच्छे लगते हैं आपके ऐसे बाल ना, ऊपर लंबे ऐसे, मेरे भी जब इतने लंबे हो जाएंगे मैं भी ऐसे रखूंगा। तो अभी बस लेट्स स्टार्ट योर प्रोसेस नाउ। तो ये बजे शाम के 7 और यहाँ से चलते हैं, मैंने दूसरी कॉफी एक और टेक अवे ले ली। प्रश्न है आप वापस गोवा कब आ रहे हैं?